हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट 48 और आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड देखिए गाइस, आज का भी क्वेश्चन काफी अच्छा हम सेट किए, स्पेशली पूरा आप लोग के एग्जाम के लिए सेट किए, बिहार को देखते हुए सेट किए। बाकी 24 स्टडी सेंटर मेरा ऑफिशियली चैनल है, इन्हें भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे कैसे आपको मॉक टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस मॉक टेस्ट को आप दे भी सकते हैं, फ्री भी होगा और 99 रुपये पे करिएगा तो कैसे अनलिमिटेड है। सिर्फ केवल आपका यही एग्जाम नहीं, इनके अलावा भी और कोई अदर टेक्निकल एग्जाम देते तो वहाँ भी आपको काम आ जाएगा जीके और जीएस का मॉक टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी अच्छा है गाइस। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन थे? उदयन थे, अशोक थे, बिंबिसार थे या महापद्मनंदन थे? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे गाइस, ये उदयन थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि गाइस, उदयन का है ना पिता का नाम क्या था? अजातशत्रु थे यहाँ पे, और अजातशत्रु का ही बेटा उदयन थे। हालांकि गाइस, उदयन ही क्या क्या था गाइस, गंगा नदी और बिहार में गंगा नदी था और सोन नदी के, ठीक है, सोन नदी के बीच में गैस पाटलिपुत्र को स्थापना किया और उसी को गैस राजधानी भी बना दिया। तो ये छोटे छोटे एक्स्ट्रा पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हो और ये सब चीज पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। अशोक से आप क्या रिलेट कर सकते गैस? अशोक ने 4 साल में ना 99 भाई को हत्या किया था। यहाँ पे ये चीज पूछ लिया जाता है, किस शासक ने 4 साल में 99 भाई की हत्या किया था? तो आपके ऑप्शन में अशोक, तो टिक ला सकते हैं। हालांकि गैस, पिता का नाम क्या था गैस? तो बिंदुसार थे यहाँ पे। माता का नाम क्या था गैस? धम्मा था यहाँ पे। बिंबिसार से आप क्या रिलेट कर सकते गैस? हर्यक वंश के ना संस्थापक थे बिंबिसार। यहाँ पे महापद्मनंदन गैस नंद वंश के संस्थापक थे। तो ये छोटा छोटा चीजों को आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। एंड क्वेश्चन टू, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस, नाबार्ड बार्ड उधार देती है, किसे देती है? ये आप लोग को उधार नहीं देगी, वो सिर्फ और सिर्फ गैस कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की ही उधार देती है। तो सी को यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, बाकी यहाँ पे गैस ए ना होगा, ना ही बी होगा एंड ना ही गैस डी होगा। सी को सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि नवार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो गैस 12 जुलाई को नवार्ड की स्थापना हुआ था। यहाँ पे 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे गैस? मुंबई में। तो ये छोटी छोटी बातों को जानकारी रख लीजिए। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, थ्री क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम था, या इल्तुतमिश था, या बख्तियार खिलजी थे, या अली मर्दाना खिलजी था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता गैस बख्तियार खिलजी हो जाएगा। तो यहाँ सी को टिक लगा के चले आइएगा। हालांकि मैंने कल बख्तियार खिलजी के बारे में चर्चा भी किए थे और बताए भी थे, नालंदा विश्वविद्यालय में नष्ट करने में काफी ज्यादा योगदान बख्तियार खिलजी का है और प्रथम मुस्लिम भी माना जाता है जिसने गैस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। हालांकि गैस, बख्तियार खिलजी कहाँ से आए थे गैस? तुर्की से आए थे। तुर्की से कहाँ आए थे? इंडिया आए थे और इंडिया में बंगाल और बिहार पे गैस आक्रमण किया और फिर इन्हें भी जीत लिया, तो प्रथम मुस्लिम विजेता भी कहला गया यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी बातों को जानकारी रखिए और यही सब बात आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ पे। एंड क्वेश्चन फोर देखिए गैस, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं यहाँ पे? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, या डूरंट रेखा बोलते हैं, या मैकमोहन रेखा बोलते हैं, या रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं? तो गैस इंदिरा पॉइंट है ना आपको अंडमान निकोबार, दक्षिणी, अगर सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट को आप लोग टिक ला लीजिएगा। ये डूरंट रेखा है ना गैस, अफगानिस्तान और भारत के बीच के जो लाइन बनाते हैं ना उसे हम डूरंट रेखा बोलते हैं। मैकमोहन रेखा गैस भारत और चीन के जो सीमा रेखा तय करते हैं उसे हम मैकमोहन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन गैस भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा बनाते हैं ना उसे हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट, ये सब आपके एग्जाम में बेसिक बेसिक क्वेश्चन है और टेक्निकल एग्जाम में बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टेस्ट सीरीज हम आप लोग के लिए 99 पे हमें सेट किए हैं 1 साल के लिए, वहाँ भी आपको बेसिक ही मिल जाएगा। सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, इनके अलावा भी कोई और आप एग्जाम देते हैं टेक्निकली, जैसे ITI से रिलेटेड या कोई अदर भी एग्जाम देते हैं टेक्निकल, तो वहाँ भी काम आ जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन देखें, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को, या बृहस्पति ग्रह को, या शुक्र ग्रह को, या शनि ग्रह को? तो गैस इवनिंग स्टार है ना हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। हालांकि गैस मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। अगर प्लानेट में बात करें गए सौरमंडल 5वां ग्रह है, शनि 6ठा ग्रह है यहाँ पे। तो ये छोटी बात, पृथ्वी हमारा जो सोलर सिस्टम गए सोलर सिस्टम सबसे बड़ा प्लानेट के बाद गैस शनि आता है यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज बेसिक बेसिक चीजें जानकारी ऐसे भी आपको होनी चाहिए। एंड 6 क्वेश्चन देखिए गैस, निम्न में से किसे हड़प्पा कालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो धौलागिरी से, बनावली से, या कालीबंगा से, या लौथल से प्राप्त हुई है? तो गैस आंसर हो जाएगा बी, बनावली से प्राप्त हुई है यहाँ पे। हालांकि ये बनावली है कहाँ पे गैस? तो ये बनावली हरियाणा में है गैस आपको।
धौलावीर कहाँ पे गैस गुजरात में आपको देखेगी, लोथल भी आपको गुजरात में देखेगी, मठ कालीबंगा गैस राजस्थान में देखेगी। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, धौलावीर संबंधित है ऐसे क्वेश्चन होगा, धौलावीर संबंधित है। आपके ऑप्शन में हो गुजरात तो गुजरात को टिक ला लीजिए। तो इस रूप में क्वेश्चन को पूछा जाता है यहाँ पे। और देखिए फिर से एक बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया, आप लोग ऐसे भी टेक्निकल है तो ये सब क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग कर लीजिएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, वोल्ट होती है, कूलम होती है या वाट होती है, कैसे यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी यहाँ पे, शक्ति है ना, शक्ति मीन्स पावर, वाट को टिक ला लीजिएगा। एम्पियर किसको बोलते हैं गैस, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होते हैं। विद्युत सॉरी गैस, वोल्ट किसको बोलते हैं गैस, विद्युत विभव को जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। कूलम किसे बोलते हैं गैस, विद्युत आवेश के एसआई यूनिट को कूलम बोलते हैं। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं यहाँ पे। एंड देखिए गैस क्वेश्चन आठ बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित किया गया था अधिवेशन कांग्रेस का, इसका अध्यक्ष किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था, हकीम अजमल खान ने किया था, महात्मा गांधी या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। तो चित्तरंजन दास हो जाएगा, हालिका ए को तो आप टिक ला लीजिएगा। मगर गैस हकीम अजमल खान ने भी कभी कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, जी हाँ किया था, 1921 में किया था। क्या कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन, तो अहमदाबाद में हुआ था। महात्मा गांधी जी 1924 में महात्मा गांधी भी किया था, कहाँ पे किया था गैस, यहाँ पे बेलगांव, बेलगांव का जो अधिवेशन होता कांग्रेस का तो उसका अध्यक्ष महात्मा गांधी भी किया था और केवल एक बार ही किया था। मौलाना अब्दुल कलाम भी किया था क्या, सबसे कम उम्र का गैस नेता था जिसने गैस कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, कब किया था तो 1923 में किया गया था यहाँ पे, है ना। और गैस एक फ्रेंड या एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, हम आप लोग के लिए कितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट वगैरह डिज़ाइन करते हैं इतना मेहनत से, तो प्लीज़ एक फ्रेंड को शेयर कीजिए या कोई सी एक ग्रुप में। एंड पहला गैस, भारत के सीमांतर कृषि भूमि जोत का आकार क्या है गैस, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है या 2 से 4 हेक्टेयर है या 1 से 2 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम। तो भारत में सीमांतर कृषि जोत का आकार गैस 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा यहाँ पे, तो डी को टिक ला लीजिएगा। मगर 1 से 2 हेक्टेयर वाले किसान को हम क्या बोलते हैं गैस, तो छोटा किसान बोलेंगे यहाँ पे। और 2 से 4 हेक्टेयर वाले क्या बोलेंगे गैस, अर्ध माध्यम किसान बोलेंगे यहाँ पे। नौ 5 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले को क्या बोलेंगे गैस, तो गैस मध्यम वर्ग के किसान बोलेंगे यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी बातों को, ये जानकारी अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। एंड गैस क्वेश्चन 10 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस, सबसे ज्यादा श्यानता होती है किस में, जल में होती है। श्यानता मतलब विस्कोसिटी, मतलब गैस अगर आप मान लीजिए पानी है तो पानी को जैसे आप नीचे गिराओगे ना तो ये काफी ज्यादा फैल जाएगा, मगर वही आप जो श्यानता मतलब शहद को गिराओगे ना तो वो ज्यादा दूर में नहीं फैलेगा, बहुत ही कम दूर में फैलेगा। तो यहाँ पे जल को गिराओगे तो बिल्कुल ज्यादा दूर में फैल जाएगा, मतलब श्यानता इसमें कम होती है, यहाँ पे वायु में कम होती है, खून में कम होती है, शहद में सबसे ज्यादा होती है। तो डी को टिक ला लीजिएगा, टेक्निकली क्वेश्चन है गैस, है ना। ये सब क्वेश्चन आप लोग ऑलमोस्ट पढ़े होंगे यहाँ पे। एंड क्वेश्चन, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे भी अनुभव है टेक्निकली का। एंड सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है गैस कौन सा है, पृथ्वी है। ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है गैस, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, मगर क्वेश्चन को हम अलग तरीके से पूछे हैं। तो कौन है गैस, बृहस्पति हो जाएगा जो कि गैस सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ पे। पृथ्वी पे हम सारे इंसान होते हैं गैस यहाँ पे, बाकी इन सभी ग्रह पे अभी तक पता नहीं किया गया कि इंसान है या नहीं है, मगर पृथ्वी पे सारे इंसान बसते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 देखिए गैस, तीनों गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या मदन मोहन मालवीय या बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी। देखिए तीनों गोल में सम्मेलन में ना बी आर अम्बेडकर तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। हालांकि ये गोल में सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो गैस पहला जो गोल में सम्मेलन है ना वो 1930 में देखने को मिलती है, दूसरा गोल में सम्मेलन 1931 में देखने को मिलती है, तीसरा गोल में सम्मेलन 1932 में देखने को मिलती है। तो तीन गोल में सम्मेलन और तीनों में गैस भाग लिया था बी आर अम्बेडकर यहाँ पे। अच्छा ये गोल में सम्मेलन कहाँ पे चला था गैस, लंदन में चला था, ये सब पूछा जाता है यहाँ पे। इस गोल में किस गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। किस जहाज से गया था, एसएस राजपूताना जहाज से गया था। और गांधी जी के साथ किसने, गांधी जी के साथ और कौन गया था गैस, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट गए थे यहाँ पे, कांग्रेस के काफी सारे नेता गया था। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक्स्ट्रा के व्यू से यहाँ पे। नाउ गैस क्वेश्चन 13 बात कर गैस, अजात शत्रु का वंश का नाम क्या था गैस, मौर्य वंश से था या हर्यक वंश से था या नंद या गुप्त वंश से था। अजात शत्रु गैस हर्यक वंश से था, तो बी को टिक ला लीजिएगा। हालांकि गैस अजात हर्यक वंश की स्थापना है ना बिंबिसार किया था और पहला शासक था यहाँ पे, और दूसरा शासक कौन था गैस, अजात शत्रु था। ये छोटा बातों को आप याद रखिएगा। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नंद वंश की स्थापना किसने किया था, महापद्म नंद ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो श्री गुप्त ने किया था यहाँ पे। मगर कभी कभी पूछ ले जाएंगे वास्तविक स्थापना, वास्तविक संस्थापक कौन है गुप्त वंश का, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे। तो ये सब बातों को जानकारी रखिएगा यहाँ पे।
एंड देखिए क्वेश्चन 14 देखिए, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था गाइस? तो वेलेजली था, डलहौजी था, कैनिंग था या मिंटो था? तो 1857 का गवर्नर जनरल है ना, उस समय लॉर्ड कैनिंग था यहाँ पे। तो सी को टिक ला के चले आइएगा। वेलेजली से आप क्या याद रख सकते हैं, उसके समयकाल में क्या हुआ था गाइस? इसके समयकाल में ना सहायक संधि की शुरुआत इसी के समयकाल में शुरुआत होती है यहाँ पे। डलहौजी गैस आपको याद होना चाहिए कि 1853 में गैस रेलवे लाइन की शुरुआत डलहौजी के समय काल में ही हुआ था। मिंटो से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, इसी के समय में ना रंजीत सिंह का नाम सुने होंगे और अमृतसर की जो संधि होती है ना इसी के समय काल में होती है यहाँ पे। नाउ गैस एंड क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 15 क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण आने का आमंत्रित किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या कृष्ण सहाय? तो गैस गांधी जी को चंपारण आने का जो आमंत्रण है ना, इनवाइट है ना, वो राजकुमार शुक्ला दिया था। तो एक को टिक ला लीजिएगा, राजकुमार शुक्ला। हाल ही का गैस 1916 लखनऊ अधिवेशन में गैस गांधी जी आए थे और बिहार से ना राजकुमार शुक्ला गए थे लखनऊ यहाँ पे। तो इसी में गांधी जी से मुलाकात हुआ और गांधी जी को गैस अपने बिहार के चंपारण के बारे में बताया था कि अंग्रेज यहाँ पे काफी ज्यादा अत्याचार कर रहा है नील की खेती के लेके। तो फिर गांधी जी यहाँ पे आए थे और नील के जो अत्याचार कर रहे थे उनसे सबको रिहा करवाए थे किसान को, तभी से गैस गांधी जी काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। तो ये सब एक्स्ट्रा बातों को जानकारी रख लीजिए, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज के लिए केवल इतना ही है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। इस ऐप पे आपको 99 पे मॉक टेस्ट, हाल ही का कुछ फ्री भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। इस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिएगा, अच्छा लगे तो आप मन करे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी टेक्निकली एग्जाम देते हैं वहाँ पे आपको ये काम आ जाएगा। बाकी क्लास वगैरह सारे के सारे आपको इसी ऐप पे मिल जाएगा। और गैस फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़े नहीं जुड़ सकते, मेरा ऑफिशियली चैनल का नेम भी 24 स्टडी सेंटर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।